और अब मैं लगा रही हूँ गार्नियर का मास्क। ये है टिश्यू मास्क है ब्राइट कंप्लीट, ये आप देख सकते हैं। और ये वाला जो मास्क है ये मैं लगाती रहती हूँ, मेरा फेवरेट मास्क है। मुजम्मिल ने भी मास्क लगाया हुआ है, दिखाओ मुजम्मिल भी आज खूबसूरत हो रहे हैं। बस तो गाइस अब मैंने इस ग्लव भी वॉश कर लिया है, वॉश। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे एंड आई एम ऑल्सो डूइंग वेल एंड गुड इन हेल्थ। तो गाइस सबसे पहले आप लोग पीछे की आवाज़ को इग्नोर करिएगा क्योंकि आज हमारे घर में थोड़ा सा काम हो रहा है और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना स्किन केयर रूटीन। तो आप लोगों ने साथ ही रहना है, तो मैं अभी आप लोगों को अपना मटेरियल दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैं यूज़ करने वाली हूँ। ये है मेरा डर्माकॉट्स का फेशियल का किट, ठीक है, और ये है मेरे मास्क जो मैं फेशियल के बाद अप्लाई करूँगी। और अभी मैं जा रही हूँ बसन से मुंह धोने, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मुजम्मिल क्या कर रहे हैं। ये देखें आप लोग मुजम्मिल की हरकत है। नहीं तो क्या, सारी हरकतें तो लड़के ही कर सकते हैं, अच्छा बहुत ज़्यादा। मैं तो कभी कभी चार रुपये एक साल बात करवाता हूँ। ओहो, लेकिन तुम तो लड़के, तुम्हें क्या जरूरत फेशियल की? यार चलो वही तुम कंटिन्यू रखो। तो अब मैं बेसन से मुंह धो के आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो गाइस अब मैंने बेसन से मुंह धो लिया है और अब मैं करने लगी हूँ स्टार्ट अपना फेशियल। तो ये है, सबसे पहले मैंने यूज़ करनी है डर्माकॉस की ग्रे क्रीम, आप लोग देख सकते हैं। तो जी ये है एंटी बैक्टीरिया, एंटी टॉक्सिन और भी बहुत इसके फवायद हैं, तो हम उसको गाइस। अब मैं कर रही हूँ मसाज। आप लोगों ने पहले उसको पूरा ब्लेंड कर लेना है, उसके बाद फिर इसमें हल्का हल्का सा वाटर लगा के अपने ऊपर की तरफ मसाज करना है। आप लोग कोई भी क्रीम यूज़ करते हैं वो आप लोग हमेशा यूँ नीचे की तरफ नहीं किया करो, उससे आपका फेस का जो शेप है वो ख़राब होता है और डेड स्किन भी सही से साफ नहीं होती। तो आप लोग इस तरह किया करें। डर्माकॉस का स्क्रब है ये गोवा ग्लो स्क्रब, उससे वाइटनिंग आती है, सूथिंग आती है, सॉफ्टिंग आती है। तो हम लोग ज़्यादातर मटेरियल डर्माकॉस का यूज़ करते हैं, तो हम इसको लगाते हैं। तो अच्छे से हमने इसको ब्लेंड करना है और स्क्रब में आप लोग ये बात ध्यान में रखिएगा कि स्क्रब में पानी लगा के, बार बार पानी लगा के ब्लेंड करते हैं क्योंकि ये फिर ड्राई हो जाता है। Thank you.
स्क्रब भी वॉश कर लिया है, मैंने स्क्रब भी वॉश कर लिया है और आप लोग ग्लो देख सकते हैं मेरी स्किन पे। स्क्रब के बाद बहुत अच्छा ग्लो आता है। और अब हम लोग यूज़ करेंगे क्लिंजर। मैं आप लोग एक और बात साथ से बता दी चलूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि क्लिंजर पहले लगाते हैं स्क्रब बाद में लगाते हैं। आप लोग पहले स्क्रब लगाया करें उसके बाद क्लिंजर। तो ये रहा जी हमारा क्लिंजर डर्माकॉस का हेक्सागोनल क्लिंजर। तो इससे भी सॉफ्टनिंग आती है, वाइटनिंग आती है, एंटीबैक्टीरियल है ये। तो मैं इसको करूँगी अप्लाई। स्मेल बहुत अच्छी है। इससे आपकी स्किन हाइड्रेट होती है, स्मूथ होती है। अब हम करेंगे इसको अप्लाई। तो जी अभी कट हो चुका है, मैं ये वाला लगाऊंगी और ये वाला अभी मैं किया है। मुझे किसी ने बताया था कि इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, तो मैंने सोचा इसको भी अप्लाई करके देखते हैं। और मैंने डर्माकॉस का जो मेरा फेशियल है वो तो मैंने कंप्लीट कर लिया था, उसका मास्क वगैरह क्रीम्स वगैरह सब कंप्लीट कर ली थी। उससे भी अच्छा खासा मेरी स्किन पर ब्राइटनेस ग्लो आ गया था। तो ये मुझे किसी ने बताया था कि इसका रिज़ल्ट अच्छा है, तो मैंने सोचा मैं इसको भी अप्लाई करती हूँ और देखती हूँ कि कितना अच्छा रिज़ल्ट है। और वैसे तो अच्छा ही, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स वगैरह इसको यूज़ करती हैं, तो मैंने सोचा कि अब मैं भी इसको यूज़ करके देखती हूँ। मैंने ये फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया, मैं मास्क वगैरह यूज़ करती रहती हूँ लेकिन इसको मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया। तो अब इसका रिज़ल्ट चेक करते हैं और आप लोगों ने साथ ही रहना है। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। मुझे मास्क लगाया हुआ है
दिखाओ तमिल भी आज खूबसूरत हो रहे हैं बस। तो अब हम लोग वेट करते हैं कि कब तक ये ड्राई होता है। तो गाइस अब मेरा मांस ड्राई हो चुका है और अब मैं इसको कर रही हूँ रिमूव। हम लोग भी पीछे कर रहे हैं काम क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था आज हमारे घर में थोड़ा सा हो रहा है काम। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी स्किन ब्राइट हुई है बहुत। मैं तो क्या बोलते हैं लेपर्ड लग रही हूँ। आपको दिखाना चाहेंगी दिखा दें हमारे भी मास्क लगा है। सो गाइस अब मैंने फेस अपना वॉश कर लिया है और अब आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा ग्लो आया है मेरी स्किन पे। अब सबसे लास्ट चीज मतलब कि एक्स्ट्रा है मेरे लिए तो मैंने फेशियल कर लिया उसके बाद मैंने मास्क लगाया था एविलाइन का और अब मैं लगा रही हूँ गार्नियर का मास्क। ये है टिश्यू मास्क है ब्राइट कंप्लीट ये आप देख सकते हैं। और ये वाला जो मास्क है ये मैं लगाती रहती हूँ मेरा फेवरेट मास्क है ठीक है। अब ये हमारी सबसे लास्ट है और एक मिनट के अंदर होता है सीरम। इसके अंदर सिर्फ एक ही होता है तो अब हमने इसको रखना है 15 मिनट तक उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। तो मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ये वाला मास्क ज़रूर लें गार्नियर स्किन एक्टिवेट टिश्यू मास्क है ये ब्राइट एंड कंप्लीट। तो ये इतना कॉस्टली भी नहीं है ये है 350 रुपीज़ का 350 रुपीज़ का ये मास्क है। तो आप लोग इसको लेके स्टॉक भी कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे और अगर आपकी स्किन ज़्यादा डल है तो आप इसको वीक में 3 टाइम्स लगाएं तो आपको रिज़ल्ट सामने आ जाएगा आपके। तो मैं तो वीक में 2 वीक में एक दफ़ा लगाती हूँ तो मेरी स्किन बहुत अच्छी रहती है इससे। और जो मैंने एविलाइन का आज फर्स्ट टाइम यूज़ किया उसका भी मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा तो आप लोग वो भी ज़रूर यूज़ कीजिएगा। वो भी इतना कॉस्टली नहीं है आप लोग किसी भी मार्ट वगैरह किसी भी मॉल से आप जाके ये ले सकते हैं ठीक है। तो गाइस अब ये 15 मिनट मुझे हो चुके हैं तो अब मैं इसको उतारने लगी हूँ मास्क को। इसके पैकेट में डाल के बस ये एक दफ़ा के ही उसका होता है तो बस उसको हमने करना है थ्रू। तो आप लोग मेरी स्किन देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्मूथ और मिल्की हो रही है जिस जैसे कि इसके पैकेट में लिखा हुआ है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा इसका मसाज करूँगी और उसके बाद इसको टिश्यू से रब कर लेना है फेस वॉश नहीं करना है ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये हटाने के बाद आप कोई सा भी मास्क लगाएं जो इस तरह का टिश्यू मास्क हो तो उसके बाद अपने फेस को आपने वॉश नहीं करना है 1 या 2 आवर के बाद आप लोगों ने फेस को वॉश करना है।
तो गाइस अब मैंने क्रीम को जो सी क्रीम थी सीरम सॉरी जिसका सीरम था उसको मैंने जस्ट कर लिया है। टी शर्ट से रब करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके अंदर यही होता है जिसका सीरम होता है ना वो ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मुझे टी शर्ट से रब करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, टी शर्ट के लिए यही पड़ा है। तो अब टाटा नहीं गाइस, अब आप लोग देख सकते हैं कि मेरी स्किन के ऊपर कितना फ़र्क पड़ा है, मेरी स्किन के ऊपर कितना ग्लो आया है, आप लोग देख सकते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आप लोग पैसे अपने इतने वेस्ट ना करें, सब कुछ घर पे ही कर सकते हैं और ये चीज़ें आप लोग की 6-6 मंथ चल सकती हैं। आप लोग जो पार्लर्स में जा के फेशियल करवाते हैं वो भी यही होता है सामान डर्माकॉस का। किसी के पास अलग भी होते हैं, उनके कॉस्मेटिक्स अलग होते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट डर्माकॉस की मेरी नज़र में तो सबसे अच्छी है। तो आप लोग इसको घर में ही यूज़ करें। मैंने आप लोगों को सारा तरीका भी बताया कि पहले कौन सी क्रीम यूज़ होती है, एंड में कौन सी यूज़ होती है और बीच में कौन सी यूज़ होती है। तो आप लोग अगर आप लोगों को फेशियल करना नहीं आता तो नेट के ऊपर मेरी वीडियो से अलावा भी बहुत वीडियोस पड़ी हैं। तो आप लोग अपने पैसे बचाएँ, पार्लर्स में जाके खर्च नहीं करें। और पार्लर में ये भी नहीं होता कि आपको पूरे हफ्ते के 2000 देने, पार्लर में सिर्फ एक टाइम का फेशियल होता है, उनमें भी वो लोग क्रीमें थोड़ी थोड़ी सी लगाते हैं। तो आप लोग अपने घर में जब ये मटेरियल लेके आएंगे तो आप अपने घर में, अगर आपके घर में 2-3 दिन बनने हैं करने वाले, तब भी आपका आराम से 6 मंथ तक चलेगा। हमारा भी अभी लिए हुए 1 साल नहीं हुआ है, होने वाला है, लेकिन मैं मेरी मम्मा सब यूज़ करते हैं और आज आपने देखा था कि मुजम्मिल भी कर रहे थे। तो जी ये वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आप लोग अपने पैसे वेस्ट ना करें, आप लोग खुद इंडिपेंडेंट बने इस चीज़ में। तो अब हम कर रहे हैं अपने ब्लॉग का एंड। तो आई होप आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेगा ताकि हमारी जितनी भी नई वीडियोस अपलोड होंगी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।